हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है यूट्यूब टैग्स। जैसे आप जानते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा समझते हो, आपको पता होगा कि वेबसाइट्स का रैंकिंग बढ़ाने के लिए हम मेटा डेटा एनहांस करते हैं। उसी तरह से यूट्यूब भी एक वीडियो सर्च इंजिन है जहाँ पर आपको अलग अलग कंटेंट के ऊपर वीडियोस आसानी से मिलते हैं। पर आप एज अ क्रिएटर अपने वीडियो को किस तरह से बेटर रैंकिंग दो और किस तरह से आपका वीडियो रिकमेंडेशंस में अपने आप यूट्यूब लाए, उसके लिए ज़रूरी है वीडियो टैग्स। अब ये टैग्स क्या है, इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो अगर सरल भाषा में बात करें तो YouTube के अंदर जो टैग्स आप ऐड करते हो, वो YouTube को आसानी से आपके कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करना है और किन इंटरेस्ट बेस्ड यूजर्स का प्रेफरेंस जो होता है आपके वीडियो और कंटेंट के हिसाब से, वहां पे आपकी कंटेंट पुश करनी है। सो ये काम कैसे करता है? अगर आपने सही रेलिवेंट टैग्स डाले हैं तो YouTube हर एक सर्च के ऊपर अगर रेलिवेंट आपका कंटेंट है तो उसको आसानी से रिकमेंडेशन वीडियो के तौर पे आपको दिखा पाएगा और बार बार आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में जाने से आपकी वीडियो की रैंकिंग अपने आप हाई होती जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप ऐसे टैग्स बनाओ कैसे और आपको पता कैसे चले कि ये कंटेंट के ऊपर किस किस्म का टैग मुझे डालना चाहिए। जो फ्रेजेस आपने सर्च किए हैं उन फ्रेजेस को आप अपने यूट्यूब वीडियो टैग्स के तौर पर यूज कर सकते हो। आपके वीडियो कंटेंट का एक आप फ्रेज डिसाइड कर लीजिए, उस फ्रेज के हिसाब से अगर आपको रेडीमेड टैग्स चाहिए तो ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है। एक है rapidtags.io और दूसरा है tagsyoutube.com। यूट्यूब नॉर्मली टैग्स सेक्शन में 500 कैरेक्टर्स अलाउ करता है। एज अ यूजर आपका खुद का चॉइस है कि आप पूरे 500 कैरेक्टर्स यूज करना चाहते हो टैग्स क्रिएट करके, या फिर मेरे हिसाब से आपको 5 से 7 यूनिक टैग्स क्रिएट करने चाहिए जो आपके वीडियो को क्लियरली कैटेगराइज कर सके, और यूजर जब वो वाले फ्रेजेस सर्च करता है तो आपकी वीडियो आराम से और इजीली आइडेंटिफाई कर सके यूट्यूब। बहुत ज्यादा टैग्स यूज करने से, जैसे कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर 20-22 टैग्स डालते हैं, तो भैया ये करने से कई बार यूट्यूब का एल्गोरिथम ही कंफ्यूज हो जाता है और आपके कंटेंट का रेलिवेंस मिस कर सकता है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले है आपका वीडियो का टाइटल, दूसरा है आपका डिस्क्रिप्शन और तीसरा है आपके वीडियो के अंदर जो आपने टैग्स डाले हैं वो। अगर ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ प्रॉपरली सिंक्रोनाइज हो सके, जो आपने टाइटल रखा है उसी चीज़ का टैग्स आप अपने टैग सेक्शन में डालिए, जो आपने टाइटल में फ्रेजेस डाले हैं उन्हीं फ्रेजेस को आप अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ कीजिए, और अगर मैंने जैसे बताया तीनों चीज़ें अगर प्रॉपरली सिंक्रोनाइज है तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड आपके वीडियो का रैंकिंग एनहांस होना चालू होगा और कुछ दिनों में आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके ऊपर व्यूअरशिप बढ़ रही है और आपके वीडियो का रैंकिंग भी एनहांस हो रहा है। ये टैग्स आप अपने हिसाब से एक बार आप एक्सप्लोर कीजिए, यूट्यूब सर्च इंजिन का आप सहारा लीजिए, उसके अंदर से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से टैग्स आपके कंटेंट को ज्यादा सूट करते हैं, और ये आपको हर वीडियो के टाइम पे करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक दीजिए मुझे। अगर आपको दूसरे कोई टॉपिक्स के ऊपर भी मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि YouTube मोनेटाइजेशन कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाया जाता है, टैग्स का रिलेवेंट क्या होना चाहिए, किस किस के टैग्स आपको डालने चाहिए, तो इसके ऊपर अलग से एक एलोबरेट वीडियो मैं डेफिनेटली लेके आपके लिए आऊँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे।